एवरीवन, कैसे हैं सारे ज़रूर बताइएगा। मैं हूं आप लोगों की माउंटेन फेरी और आज की वीडियो होने वाली है, मैं कंडे आई हूं, स्नो और लूना भी मेरे साथ आए हुए हैं और जो साल का सबसे लास्ट सीज़न होता है एप्पल सीज़न, वो कंडे वाला ही होता है। तो आज की जो वीडियो रहेगी वो कंडे वाले सेब के ऊपर रहने वाली है जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रंची और क्रिस्पी होती है। लेकिन उससे पहले यहाँ का जो नज़ारा है मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, इतना खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पर क्योंकि ऑटम ने यहाँ पे इतना खूबसूरत दस्तक दिया है। देरी न करते हुए करते हैं वीडियो को शुरू, चलिए। यहाँ गर्म पानी लगाया हुआ है और मम्मी पता नहीं कहाँ है, हमेशा की तरह मुझे नहीं दिख रहे। नमस्ते मम्मी, फिर और ठंड कितनी है? अच्छा, अब करने में है हम लोग, यहाँ सेब तोड़ना रे आया था हम लोग यहाँ, फिर भालू आ गई रात रात में, यहाँ पेड़ को नुकसान कर रहे, हम लोग फटाफट सेब उठा रहे टीप रहे, हम लोग फिर भालू आ गई यहाँ नुकसान कर रहे, बोलिए यहाँ परक का रात में 3-4 बार परक का फड़ रहे। अच्छा, हम लोग आप यहाँ परक भी पड़ने शुरू हो जा, हम लोग आप सुबह से शाम तक हम शेर टीप की फारे करने को जल्दी जल्दी कर रहे हैं, हम लोग सारे 10-12 बंदे हैं यहाँ। अच्छा, तो दोस्तों ये जो कंडे के सेब है हमेशा से ही बहुत ही ज़्यादा क्रंची और क्रिस्पी होते हैं,
इसमें इतना जूस होता है ना, मैं आप लोगों को क्या बताऊं, बहुत ही ज्यादा जूस और इतने टेस्टी और इतना मिठास, पता नहीं इसमें कहां से आता होगा, बहुत ही ज्यादा टेस्टी होता है ये। और जगह की सेबों से ज्यादा बेस्ट सेब जो है वो कंडे की लगते है मुझे। कमाना मौजी मनाना, सारे जहां का बोझ उठाना, मेहनत मेरा जीवन कूली नंबर वन, हाँ मैं कूली नंबर वन। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा गाया, बहुत अच्छा गाया। आप अपना नाम भी बता दो यहाँ। कुमार तमांग। अच्छा, फ्रॉम नेपाल। नेपाल कौन सी जगह से? रसुआ। अच्छा, तो फिर एक नेपाली गाना तो होना चाहिए। जी? नेपाली गाना भी सुना दो। नेपाली गाना अब मलाई यो जिंदगी ले कहाँ पुरायो, कहिले हसायो कहिले रुआयो, कहिले हसायो कहिले रुलायो, अपने संग छुटेर एकलो बनायो, मलाई यो जिंदगीले कहाँ पुरायो। धन्यवाद। बहुत ही दुखदायी गाना था ये तो। अब जैसे मेरे यहाँ पे व्यूवर्स है ना, उनको इसका मतलब नहीं पता है, मुझे तो समझ आ गया, उनको बताओ इसका क्या मतलब है। ये गाना का है जी। हाँ, मेरा ये जिंदगी ले कहाँ पुराये के मतलब है। हाँ, ये जिंदगी ने। हाँ, जिंदगी में कहाँ पहुँचना पड़ रही वाली। अच्छा, दुख सुख। हाँ, हाँ, परिश्रम करते हुए। अच्छा, पहुँचने वाली बात है। अच्छा, देखो आप लोग नेपाल से यहाँ आए हैं ना। हाँ जी। कहाँ कहाँ पहुँचा रहा है देखो जिंदगी आप लोगों को, कहाँ कहाँ पहुँच, कभी ठंड में कभी गर्म में। हाँ, कभी बारिश के अंदर। पर यहाँ किन्नौर में कैसा लगता है आपको? किन्नौर में ठीक है, ऐसा तो आपका अच्छा है। अच्छा है, और गर्मी में गर्मी ठीक, ठंड में इतना ठंड भी नहीं, गर्मी में गर्मी भी नहीं। अच्छा, चलो रहन सहन खान पान पानी पुनी सारा बढ़िया है। बढ़िया। Thank you.
यहाँ देखिए गाजर अभी भी खत्म नहीं हुआ है, इतने से एरिया में बच गया है। यहाँ देखिए अब यहाँ पर भी और फूल भी आने लग गए हैं। तो मम्मी कह रहे थे कि दो बार तो ना इसमें सब्जी भी बना दी गाजर की, और मम्मी ने नीचे भी घर में भी भिजवाया था, फिर भी गाजर इतने सारे हैं। अब ये जब मम्मी नीचे आएंगे ना तो ये सारा गाजर लेकर आ जाएंगे यहाँ से, सब कुछ खोद कर और कंडे को छोड़कर। बड़ा दुख लगता है जब हम यहाँ से जाते हैं ना वापस सब कुछ। अभी इस साइड वाले पेड़ों से तो सेब उतार दिए हैं, सिर्फ ये गोल्डन वगैरह यहाँ रह गए, तो एक दो दिन में इसको भी कवर अप कर देंगे। तो लेके चलो परसों तक ये वाला जो सेब तोड़ाना है ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद बस सेब यहाँ से गाड़ी तक पहुँचाने का रह जाएगा। तो जगह जगह पे इस तरीके से क्रेट रखा हुआ है और सेब रखे हुए हैं, यहाँ से हमारे नेपाली भाई डोकर वहाँ जहाँ तक गाड़ी आती है वहाँ तक लेके जाएंगे। तो इस बार यहाँ पे पानी की कमी थी तो सेबों में उस तरीके का कलर नहीं आया, बिल्कुल ब्लैक हो जाता है, आप लोगों को मैंने पहले भी दिखाया है। तो फिर भी चलो रेड तो है एप्पल, लेकिन वो बिल्कुल डार्क ब्लैक होता है ना वैसा नहीं है, तो ऐसे ही है। आप लोगों ने गाजर का हलवा, लौकी का हलवा, सूजी का हलवा, बादाम का हलवा तो देख लिया है, तो आज हम बनाने वाले हैं एप्पल का हलवा। जी हाँ, तो ये सेम प्रोसेस गजरेला की तरह है, जैसे आप गजरेला बनाते हैं सेम इसे भी उसी तरीके से बनाते हैं। मावा वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक गाढ़ा दूध डालिए इसमें और टेस्ट देखिए कितना अच्छा होता है। टेस्ट करना तो बनता ही है, बहुत ही गर्म है। देखिए बहुत ही लाजवाब, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, मीठा बिल्कुल परफेक्ट है, ज़्यादा नहीं जैसे कि मुझे पसंद है। और हलवे का टेस्ट बहुत अच्छा है, सेब का फ्लेवर भी आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना हुआ है। तो आप लोग भी घर में ज़रूर ट्राई करना। और कंडे में तो आप लोगों को पता ही है आजकल भालू ने बहुत ही आतंक मचाया हुआ है, दिवाली से पहले ही वहाँ पटाखे फोड़ रहे हैं, रोज़ रात को पटाखे बजाना पड़ता है हमारे को, क्योंकि भालू बहुत ही ज़्यादा पेड़ों को नुकसान कर रहा है, बहुत ही मतलब मुश्किल कर दिया है भालू ने ना, सेब के पीछे अटैक कर रहा है और बस ये सब करना पड़ रहा है भालू के लिए। आप लोगों को ये वाला व्लॉग कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलते हूँ नए व्लॉग में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।